हाँ नमस्ते साथियों, मैं एसएस महादेवी बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। साथियों, मैं आज आप लोग के बीच में यही जीडीए पीजेसी के अंदर हम लोगों एक लेटर कल डीजी साहब का लिखा है, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन एवं एनयू जीडीएस की तरफ से, हम लोग दोनों यूनियन तरफ से लेटर लिखा है। हमारा पेंडिंग 5 मुद्दों का लेकर हम लोग का पिछली 13 मार्च को डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग हुआ था, इसमें मिनट्स में दिया था ये लोगों एक महीने डेढ़ महीने के अंदर कुछ समस्या सॉल्व करेगा करके। अभी मई महीने शुरू हो गया, अभी तक को हमारा कुछ निरीक्षा था ग्रुप इंश्योरेंस इत्यादि में ऑर्डर आ जाएगा करके, लोगों अप्रैल के अंदर लागू करेगा बोला था, परंतु हुआ नहीं। इसी संदर्भ में हम लोगों और बाकी मुद्दा 12, 24, 36 इत्यादि मेडिकल लो और टारगेट का लीव का संबंध में अभी भी कुछ समस्या का ऑर्डर निकलने के बाद भी कुछ समस्या है, इसका पूरा समाधान करने के लिए हम लोग डीजी का आग्रह करते हुए हम लोग का दिया गया अश्योरेंस के मुताबिक को जल्दी इसका प्रोसेस करके सेटलमेंट करने के लिए आग्रह किया है। ये कल हम लोगों लेटर भी लिखा है, हमारा सोशल मीडिया में भी डाला है। साथियों, ये यदि सरकार होता है, कर्नाटक का चुनाव आ गया, इवन कुछ इलेक्शन का कारण कुछ इवन मेरिट लिस्ट भी नहीं किया, कुछ रिक्वेस्ट ट्रांसफर इत्यादि में कुछ काम हुआ है, परंतु हम लोग का जीडीएस का क्या चाहिए। अभी ग्रुप इंश्योरेंस का छोटा मंत्री तक गया है, मंत्री अभी सुनने आ रहा है ऑनरेबल कम्युनिकेशन का, और कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा करके इसी तरह चल रहा है, मतलब समय काटता जा रहा है। इसलिए फिर भी हमारा फर्ज बनता है डिपार्टमेंट का आग्रह करने का, हम लोग आग्रह किया है, इसका लेटर लिख के मांगा है। अभी हम लोग देखेगा एक 15-20 दिन 25 महीने इस महीने देखने के बाद फिर दोबारा हम लोग एक हमारा ऑल इंडिया यूनियन का CWC तो हो चुका है, अभी दोनों यूनियन की तरफ से एक दिन JDS PJCA का मीटिंग करके इसके बाद हम लोगों क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है आजकल में आप लोग सभी जानता है, इसमें विचार करते हुए अगली हमारा रुख क्या रहना चाहिए, इसका हम लोगों को निर्णय लेके आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेगा। अभी पेशेंस तो रखना पड़ेगा क्योंकि परिस्थिति ऐसे गंभीर है, इसलिए हम लोगों के आग्रह करके पूछा है जल्दी हमारा कुछ मुद्दों का सेटल करो करके। यदि इसके बाद नहीं हो तो JCA मीटिंग में आगे हमारा और कोई रास्ता नहीं बचेगा, एक बार दो बार मांग सकता, नहीं हो तो फिर हम लोग GDS रास्ता पर उतरने का मजबूर हो जाएगा, ये हम लोग लिखा है। GDS का मन के अंदर ये एजिटेट हो रहा है, आक्रोश चल रहा है, परंतु सरकार अभी तक हम लोग का कुछ मुद्दों का सालू नहीं किया, बहुत लंबित मुद्दा है, इसलिए इस पर ध्यान देके जल्दी सेटल करने के लिए ये हमारा दोनों यूनियन की तरफ से लेटर लिख के आग्रह किया है। ये लेटर कॉपी में साइड में आप लोग का इधर डाल रहा हूँ। यही इसके बाद GDS JCA का बैठक करके आगे किस किस का लेटर लिखना है, क्या करना है, इसके बाद तो क्या हमारा प्रोग्राम ऑफ एक्शन होगा ये बता दीजिएगा। हमारा ऑल इंडिया यूनियन तो अगस्त महीने में इंडेपेंडेंस स्ट्राइक के लिए बोला है, इस संदर्भ में भी GDS JCA के साथ बात करेगा, ये बात करके आगे हम लोगों बढ़ने के लिए कोशिश करेगा। यही बोलते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।